2 से 3 साल के लिए पैसे निवेश करना हो तो अक्सर लोग फिक्स डिपॉजिट यानी FD का ऑप्शन चुनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि FD में गारंटीड रिटर्न मिल जाता है और जरूरत पड़ने पर आप इसे तुड़वाकर अपने पैसों का इंतजाम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं तो FD के मुकाबले म्यूचुअल फंड के डेट फंड यानी डेट फंड में निवेश करना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। 2 से 3 साल के ड्यूरेशन के लिए डेट फंड में आपको FD के मुकाबले थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप एक ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां आपका पैसा थोड़ा बढ़े और ज्यादा लिक्विडिटी भी हो तो डेट फंड्स आपके लिए एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकते हैं। डेट फंड्स में निवेशकों का पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में लगाया जाता है। मतलब डेट फंड का पैसा ऐसी जगहों पर निवेश होता है जो काफी ज्यादा सेफ मानी जाती है, इसीलिए इसे एक लो रिस्क यानी कम जोखिम वाला फंड कहा जाता है। डेट फंड्स को इक्विटी फंड्स की तुलना में ज्यादा सेफ इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव का असर बाजार के मुकाबले कम पड़ता है। साथ ही डेट फंड्स में लिक्विडिटी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसमें से आप जब चाहें तब अपना पैसा निकाल सकते हैं। डेट फंड्स की आमतौर पर एक तय मैच्योरिटी डेट होती है जिससे आपको अंदाजा हो जाता है कि कितने समय में आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। अगर मुनाफे की नज़र से देखें तो डेट फंड्स FD की तुलना में थोड़ा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। आमतौर पर 1 से 3 साल के ड्यूरेशन की FD पर आपको 6 से 7.5% का ब्याज मिलता है, लेकिन डेट फंड्स में आपको लगभग 9% तक का ब्याज मिल सकता है जो FD से थोड़ा बेहतर है। डेट फंड में निवेश करके आप सेफ तरीके से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि डेट फंड्स का रिटर्न इक्विटी फंड्स जितना ऊंचा नहीं होता है, इसीलिए डेट फंड्स को एक स्टेबल और सेफ रिटर्न के लिए ही चुना जाता है, ना कि इक्विटी जैसे हाई रिटर्न की उम्मीद के लिए। अगर आपका गोल कम जोखिम में थोड़ा बेहतर रिटर्न का है तो डेट फंड्स आपके लिए सही ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए जी बिजनेस के साथ।